तो मेरे द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो है निर्देश दिया गया है कि दो शिक्षकों का डेपुटेशन वहाँ पर उनके द्वारा हो, और उसमें हम लोग जो है वॉलंटियर्स को ले रहे हैं कि यदि कोई शिक्षक वॉलंटियर है तो वो लोग वहाँ पे जाए, हम लोग डेपुटेशन उनके द्वारा जो है हो जाएगा। फिर अनोखे अंदाज में दिखे रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार। सुदूरवर्ती गांवों के स्कूल में जाकर बच्चों की सुनी समस्याएं, बच्चों से मिले डीएम और सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान भी निकाला। रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार काम करने की अपनी अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी हर घर नल जल योजना की जांच करने के लिए 32 फीट ऊंचे टंकी पर चढ़ जाते हैं, तो कभी ग्रामीणों की समस्या जानने के लिए रात को गांव में ही रुक जाते हैं। ऐसे में डीएम धर्मेंद्र कुमार अचानक जिले के सुदूरवर्ती गांव रोहतासगढ़ पंचायत के एक सरकारी स्कूल में पहुंच गए, जहां डीएम ने स्कूल के बच्चों से बात की। बच्चों ने भी डीएम से दिल खोलकर बात की और अपनी समस्याएं बताई। बच्चों से मिलने के बाद डीएम ने कहा कि वहां के शिक्षकों की समस्या सामने रखी गई है। बच्चों ने बताया है कि स्कूल में 400 के करीब बच्चे हैं, लेकिन शिक्षकों की संख्या मात्र 2 है। इस मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस समस्या को दूर करने का निर्देश दिया गया है। डीएम धर्मेंद्र कुमार ने कहा है कि बच्चों से बात करने से सच्चाई का पता चलता है, ऐसे में हम लोग तक सही सूचना नहीं पहुँचती है, बच्चों से बात कर सही बात का पता चलता है। बच्चों से बातचीत करने के दरमियान डीएम धर्मेंद्र कुमार काफ़ी सहज दिखे और बच्चों से काफ़ी देर तक सहृदय बातचीत किया। इस दौरान ये बातें सामने निकल कर आई कि बच्चों ने 400 बच्चे हैं स्कूल में, लेकिन मात्र 2 शिक्षक हैं, जिस पर डीएम ने तत्काल जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस विद्यालय में शिक्षकों की पदस्थापना की जाए। बता दें कि कैमूर पहाड़ी पर स्थित विद्यालयों में शिक्षकों की काफ़ी कमी है। जो भी शिक्षक वहाँ पर स्थापित होते हैं वह समतल इलाके से जाकर ऊपर पठन पाठन का कार्य कराते हैं, जिस कारण बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। डीएम के इस सहृदयतापूर्ण व्यवहार से बच्चों में काफ़ी खुशी दिखी। बाद में जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि वे जब सुदूरवर्ती इलाके के दौरे पर गए तो उन्हें बच्चों ने मूलभूत समस्याएँ बताई हैं, जिसका वो समाधान कर रहे हैं। बताइए आपको क्या नाम है? चार आदमी आपका सबका नाम क्या है? तीन आपका नियम सब हम है, बता दो कौन बोला कि नियम सब हम है? आप वहाँ बैठे थे ना, एक गांव में का आदमी हम कुछ कहे तो वही डीएम साहब। अच्छा, डीएम साहब का नाम है देंगे हम। बताओ क्या बात है बेटा, बताओ। सर, हम लोग के स्कूल में 381 बच्चा है और दो मास्टर, दो मास्टर है, दोनों मास्टर नीचे से आते हैं। अरे, यहाँ कोई नहीं रहते हैं? नहीं। बच्चा कितना है? 381। और ये मास्टर बतलाते हैं ना, कुछ भी बतलाते हैं ना, तो जो आगे वाला रहता है ना उसी को खाली सुनाता है, 10-20 लोगों को सुनाता है, पीछे वाले को बाकी को सुनाएगा नहीं। एक मास्टर कितना है? वो उतना लगा में 381 को है, और जो मास्टर है तो कितना है? 1-8 क्लास तक। देखते हैं बेटा, हम लोग टू सब तक अच्छा से ठीक है। मुँह डेली धोना। अच्छा, ये कहाँ चोट लग गया तुमको? खेलता आ जाते ना तुम? नहीं। कैसा लग गया था चोट? छलक गए थे। छलक कहाँ गया था? उधर गाय लेने गए थे ना। हाँ। उधर ही पहाड़। वो जो था रोहतास ब्लॉक के रोहतासगढ़ जो है ग्राम पंचायत वहाँ पे था। रोहतासगढ़ ग्राम पंचायत जिले का सबसे जो है सुदूर एरिया है, और वहाँ पे जो है शिक्षकों की समस्या हम लोग के संज्ञान में रखी गई है। वहाँ के स्थानीय विद्यालय के बच्चों के साथ जब मेरा संवाद हुआ तो उन लोगों ने रखा कि वहाँ पे लगभग 400 के आसपास बच्चे हैं और 2 ही शिक्षक हैं,
और वहाँ की भौगोलिक स्थिति इस टाइप की है कि जो शिक्षक हैं वो भी नीचे से, यानी कि जो हिली एरिया है वहाँ पे नहीं रहते हैं, और जो समतल एरिया है वहाँ से ऊपर जाते हैं, तो मतलब बाकी समस्याएं भी उनके साथ जो है रखी गई है। तो मेरे द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो है निर्देश दिया गया है कि दो शिक्षकों का डेपुटेशन वहाँ पर उनके द्वारा हो, और उसमें हम लोग जो है वॉलंटियर्स को ले रहे हैं कि यदि कोई शिक्षक वॉलंटियर है तो वो लोग वहाँ पे जाए, हम लोग डेपुटेशन उनके द्वारा जो है हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब आप जो है सीधा जो है स्टूडेंट्स से, बच्चों से संवाद करते हैं, तो वो जो है बातों को जो रखते हैं सच्चाई को रखते हैं, नहीं तो बहुत बार जो है लोकल स्तर पर जो फीडबैक आता है वो हम लोग के पास उतना सटीक नहीं आता है। तो फिर जब उनके साथ बच्चों के साथ संवाद किया गया तो उन लोगों ने स्पष्ट रूप से अपनी समस्याएं रखी और हम लोग उनकी समस्याओं का जो है निदान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IVTV, पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।